पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने एक विवादित ट्वीट करके राजनीतिक जगत में हड़कंप मचा दिया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने अपने नेता को श्रद्धांजलि देते हुए राजीव गांधी की उस टिप्पणी को ट्वीट कर दिया जो राजीव गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद दी थी। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए सिख दंगों को लेकर कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। इस टिप्पणी को लेकर राजीव गांधी की आलोचना हुई थी। इस बयान का जिक्र सिख दंगों के विरोध में लिखी गई किताबों में भी है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट को हटा दिया है, लेकिन विरोधी पार्टियां इस ट्वीट का विरोध कर रही हैं। पंजाब में डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के सलाहकार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर हमला किया है। सिरसा ने कहा है कि यह बयान 1984 में सिख दंगों के भयानक नरसंहार के बाद राजीव गांधी ने दिया था और आज फिर इसे ट्विटर पर कांग्रेस ने दोहराया है। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 72वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें देश याद कर रहा है। वैसे बड़ी अजीब बात है, जहां नेताओं को देश के विकास की बात करनी चाहिए वहीं वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। राजीव गांधी की जयंती पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस का ये ट्वीट भी बिल्कुल वैसा ही है। देखते रहिए टीवी लाइव।